उत्तराखंड की होनहार बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा बीते दिनों घोषित किए गए सहायक अभियोजन अधिकारी के परीक्षा परिणामों में भी राज्य की कई प्रतिभावान बेटियों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है, जिनमें हिमानी सेमवाल का नाम भी शामिल है। जी हां, मूल रूप से राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले के घनसाली क्षेत्र के जमलोना गाँव की रहने वाली हिमानी सेमवाल का चयन सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर हो गया है। सबसे खास बात तो यह है कि हिमानी सेमवाल को घनसाली क्षेत्र की पहली महिला अभियोजन अधिकारी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उनकी इस अभूतपूर्व उपलब्धि से जहां उनके परिवार में हर्षोल्लास का माहौल है, वहीं उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि एपीओ सहायक अभियोजक अधिकारी न्यायालय का वह अधिवक्ता होता है जो कि सरकार की तरफ से उनके मुकदमों की पैरवी करते हैं। इसके साथ ही अभियोजकों द्वारा प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार विधिक राय भी प्रदान की जाती है। बता दें कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर घनसाली से प्राप्त करने वाली हिमानी ने हाईस्कूल की परीक्षा सरस्वती विद्या मंदिर घनसाली तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज घुमेटी धार टिहरी गढ़वाल से प्राप्त की है। तत्पश्चात उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से स्नातक एवं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से विधि स्नातक की डिग्री हासिल की। बताते चले कि वर्तमान में जिला न्यायालय देहरादून में बतौर अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हिमानी के पिता तेजराम सेमवाल जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं ख्याति प्राप्त पत्रकार हैं, वहीं उनकी माता अपनी ग्राम पंचायत जमोलना घनसाली की पूर्व ग्राम प्रधान हैं। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।